गोहद तहसील में ये विगत वर्ष में यहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई थी उसके तहत जो सर्वे कार्य किया गया था उसमें प्रशासन की तरफ से कुलदीप जाटव, निशांत खरे, दो पटवारी हैं गोहद तहसील के, इनके द्वारा इसमें दूसरों के जो मतलब सर्वे कार्य जिनके नाम से किया गया था उसके आधार पर दूसरों के बैंक अकाउंट में इनके द्वारा राशि डाली गई, जिसके ऊपर से यहाँ पर जो तहसीलदार गोहद है उनके द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है कि इनके द्वारा इसमें फ्रॉड किया गया है। तो इसमें गोहद थाने पर 400/409 IPC का अपराध कुलदीप जाटव और निशांत खरे दोनों, अभी प्रारंभिक तौर पर हम इनसे दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये कम से कम 1 करोड़ या 1.25 करोड़ का घोटाला, जिसमें से कुछ राशि इनके द्वारा बैंक जो तहसील में जमा भी करवाई थी। तो अभी विवेचना में देखा जाएगा कि कितने किसान थे, कि उनके कितनों के नाम सर्वे में आए थे, उसके बाद इन्होंने कितनों के उसके ऊपर फर्जी अकाउंट लगा के उससे राशि को आहरित किया है। अभी अभी क्या दस्तावेजी कार्य पूर्ण होने के बाद उसमें फिर आरोपी गिरफ्तारी की जाएगी, वो बाद में इनकी और जो भी जिसकी सहभागिता होगी जिस स्तर पे उनको भी आरोपी बनाया जाएगा।